हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंगलम शिक्षा केंद्र पर। हम आज आपके सामने में क्लास 10वीं के विषय इतिहास के अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्न लेके उपस्थित हुए हैं, जिसमें से सबसे पहला प्रश्न है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था, जिसके चार ऑप्शन है, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया। तो इसका सही आंसर ब्रिटेन है। प्रश्न दूसरा है, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? आपके ये चार ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन है, 1928, 1929, 1930 और 1931। तो इसका आंसर होगा 1928। अगला प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? इसके चार ऑप्शन है, मेजनी, बिस्मार्क ने, काबूर ने और गैरिबाल्डी ने। तो इसका सही जवाब है कि यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था। अगला प्रश्न है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी गैरिबाल्डी, ऑप्शन सी विक्टर इमैनुअल और ऑप्शन डी मुसलिनी। तो इसका सही जवाब है मेजनी ने। अगला प्रश्न है, इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? ऑप्शन ए मेटरनिक, ऑप्शन बी मेजनी, ऑप्शन सी नेपोलियन, ऑप्शन डी गैरिबाल्डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नेपोलियन। इटली में एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? इटली में एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? मेजनी को, नेपोलियन को, मेटरनिक को और गैरिवाल्डी को। तो इसका सही आंसर होगा मेजनी को। अगला प्रश्न है कि इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? ऑप्शन ए बिस्मार्क, ऑप्शन बी गैरिवाल्डी, ऑप्शन सी नेपोलियन, ऑप्शन डी कॉसुथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गैरिवाल्डी। अगला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोप और ऑप्शन डी पश्चिमी एशिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन ए काउंट काबूर, ऑप्शन बी बिस्मार्क, ऑप्शन सी गैरिवाल्डी, ऑप्शन डी मेजनी। तो इसका सही आंसर है बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी गैरिवाल्डी, ऑप्शन सी लेलिन और ऑप्शन डी बिस्मार्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बिस्मार्क। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी प्रशा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? ऑप्शन ए बिस्मार्क, ऑप्शन बी मेजनी, ऑप्शन सी काबूर और ऑप्शन डी गैरिवाल्डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की राजक्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए प्रजातंत्र शासन, ऑप्शन बी निरंकुश शासन, ऑप्शन सी गिरफ्तारी पत्र और ऑप्शन डी मनसबदारी प्रथा।
तो इसका सही आंसर था निरंकुश शासन। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नेपोलियन को, ऑप्शन बी वाल्टेयर को, ऑप्शन सी डिडरो को, ऑप्शन डी रूसो को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रूसो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा में की थी? ऑप्शन ए व्यवस्थापिका सभा, ऑप्शन बी संविधान सभा, ऑप्शन डी नेशनल कन्वेंशन, ऑप्शन डी डायरेक्टरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संविधान सभा। फ्रांस में समांतवाद का अंत कब हुआ था? ऑप्शन ए 4 अगस्त 1789, ऑप्शन बी 18 नवंबर 1789, ऑप्शन सी 24 सितंबर 1789, ऑप्शन डी 21 मई 1789। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 4 अगस्त 1789 को। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए हैप्सबर्ग, ऑप्शन बी आर्लिया वंश, ऑप्शन सी बुर्बो वंश, ऑप्शन डी जारशाही वंश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बुर्बो वंश। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? इसका पहला ऑप्शन है यूनान को, ऑप्शन बी जर्मनी को, ऑप्शन सी इटली को, ऑप्शन डी ब्रिटेन को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यूनान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए तुर्की को, ऑप्शन बी मिस्र को, ऑप्शन सी यूनान को, ऑप्शन डी पोलैंड को। तो इसका सही आंसर है तुर्की को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी इंग्लैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यूनान। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी टीपू सुल्तान, ऑप्शन सी सफदरगंज, ऑप्शन डी शिवाजी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मार्क क्या था? ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन बी नाटककार, ऑप्शन सी संगीतज्ञ, ऑप्शन डी कूटनीतिज्ञ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कूटनीतिज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मार्क प्रशा का चांसलर कब नियुक्त हुआ? ऑप्शन ए 1860, ऑप्शन बी 1862, ऑप्शन सी 1863 और ऑप्शन डी 1865। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1862। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्मार्क किस विद्वान के विचारधारा से प्रभावित था? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी हिगेल, ऑप्शन सी अस्टर्ड, ऑप्शन डी जैकब। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हिगेल। मतलब बिस्मार्क हिगेल नामक विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1815, ऑप्शन बी 1820, ऑप्शन सी 1818 और ऑप्शन डी 1848। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1815। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए मेटरनिक, ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी लुई 18वां, ऑप्शन डी चार्ल्स एल्बर्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मेटरनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम प्रथमा कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी पर्सा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी यूनान। तो इसका सही आंसर होगा पर्सा, मतलब विलियम प्रथमा पर्सा का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ का स्थापना किया था? ऑप्शन ए ट्रांसपेडेन संघ, ऑप्शन बी सिसेलपाइन संघ, ऑप्शन सी राइन संघ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राइन संघ। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1801 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1791 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1789 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1804 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1804 ईस्वी में। मेटरनिख क्या था? ए घोर प्रत्येकतावादी शासक, ऑप्शन बी घोर सामंतवादी, ऑप्शन सी तानाशाह, ऑप्शन डी प्रजातांत्रिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए घोर प्रतिक्रियावादी शासक। मेटरनिक का पतन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1847, ऑप्शन बी 1848, ऑप्शन सी 1849, ऑप्शन डी 1850। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1848। अगला प्रश्न है, मेटरनिख कौन था? ऑप्शन ए रूस का जार, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑप्शन सी फ्रांस का सम्राट, ऑप्शन डी पर्सा का चांसलर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया का चांसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजनी नेशन 1834 में किस संस्था का संगठन किया था? ऑप्शन ए यंग यूरोप, ऑप्शन बी क्रांति सेना, ऑप्शन सी विक्ट्रीन, ऑप्शन डी यंग इटली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यंग यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजनी का संगठन किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन ए लाल सेना, ऑप्शन बी कार्बोनरी, ऑप्शन सी फिलिप हिटारिया, ऑप्शन डी डायट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कार्बोनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालवेराइन एक संस्था थी? ऑप्शन ए क्रांतिकारियों की, ऑप्शन बी व्यापारियों की, ऑप्शन सी विद्वानों की, ऑप्शन डी पादरी सामंतों की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी व्यापारियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवेरायन संस्था की स्थापना किस राज्य ने की थी? ऑप्शन ए पर्सा ने, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया ने, ऑप्शन सी सर्डिनिया ने, ऑप्शन डी नेपल्स ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पर्सा ने। अगला क्वेश्चन है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए बुडापेस्ट, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी मास्को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बुडापेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगरी की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी पोलिश, ऑप्शन सी मेगियार। मेगियार होना चाहिए था, यहाँ पे म्यांमार गलती से लिखा गया है, और ऑप्शन डी
इतालवी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मैग्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए नेपोलियन ने, ऑप्शन बी कोसूथ ने, ऑप्शन सी मेटरनिक ने और ऑप्शन डी गैरिबाल्डी ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोसूथ ने। अगला क्वेश्चन है कि हनोई समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1943, ऑप्शन सी 1944 और ऑप्शन डी 1946। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ऑप्शन ए पर्सा की, ऑप्शन बी सर्डिनिया की, ऑप्शन सी नेपल्स की, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडोबा का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑप्शन ए रोम और इटली के बीच में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच में, ऑप्शन सी भारत और पाकिस्तान के बीच में, ऑप्शन डी चीन और म्यांमार के बीच में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच में, ऑप्शन बी पर्सा और डेनमार्क के बीच में, ऑप्शन सी पर्सा और फ्रांस के बीच में, ऑप्शन डी इटली और रोम के बीच में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पर्सा और फ्रांस के बीच में। अगला है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ऑप्शन ए 1890 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1848 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1871 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1870 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1871 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए लुई 18वां, ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी नेपोलियन तृतीय ने और ऑप्शन डी बिस्मार्क ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? ऑप्शन ए रूस की, ऑप्शन बी फ्रांस की, ऑप्शन सी यूनान की और ऑप्शन डी तुर्की की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तुर्की की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1840 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1845 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1853 से 54 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1856 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1853 से 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1800 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1805 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1808 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1810 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1810 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंट काबूर ने विक्टर इमैनुअल को किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन बी फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी गृह मंत्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ऑप्शन ए धर्म सुधार आंदोलन, ऑप्शन बी फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन सी पुनर्जागरण और ऑप्शन डी गौरवपूर्ण क्रांति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फ्रांस की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी बिस्मार्क और ऑप्शन डी विलियम प्रथमा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए बिस्मार्क ने, ऑप्शन बी मेजनी ने, ऑप्शन सी काबूर ने और ऑप्शन डी गैरिबाल्डी ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गैरिबाल्डी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए 1863, ऑप्शन बी 1864, ऑप्शन सी 1871 और ऑप्शन डी 1872। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1871 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्साय की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए 1918 में, ऑप्शन बी 1919 में, ऑप्शन सी 1920 में और ऑप्शन डी 1923 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारी आन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली और ऑप्शन डी रूस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड का कौन कवि यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया? ऑप्शन ए शेक्सपियर, ऑप्शन बी लॉर्ड बायरन, ऑप्शन सी मिल्टन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड बायरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन ए सिपाही, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी जमींदार, ऑप्शन डी नाविक। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि गैरिबाल्डी जो है पेशे से नाविक था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नाविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार एंड पीस की रचना किसकी है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी दस्तोवस्की, ऑप्शन डी एंजेल्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन ए क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन बी सेडोबा का युद्ध, ऑप्शन सी पर्सा और डेनमार्क का युद्ध, ऑप्शन डी सेडान का युद्ध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सेडान का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन ए सेडोबा का युद्ध, ऑप्शन बी सीडान का युद्ध, ऑप्शन सी क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन डी पर्सा डेनमार्क का युद्ध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सेडान का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन ए फ्रैंकफर्ट की संधि, ऑप्शन बी गैस्टीन की संधि, ऑप्शन सी डेनमार्क की संधि, ऑप्शन डी प्राग की संधि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रैंकफर्ट की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ऑप्शन ए नेपोलियन, ऑप्शन बी
हिटलर, ऑप्शन सी मेटरनिक, ऑप्शन डी गैरीवाल्डी। इसका सही आंसर है कि मेटरनिक ने। अगला क्वेश्चन है कि किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था। ऑप्शन ए काउंट काबूर ने, ऑप्शन बी गैरीवाल्डी ने, ऑप्शन सी मेजनी ने और ऑप्शन डी विक्टर इमैनुएल ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए काउंट काबूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए सिडान, ऑप्शन बी सिडोबा, ऑप्शन सी साइडाइन, ऑप्शन डी फ्रैंकफर्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिडान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1829 ईस्वी की एंड्रियानोपल की संधि नेक्स्ट क्वेश्चन है 1829 की एंड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी। ऑप्शन ए तुर्की और रूस के बीच में, ऑप्शन बी तुर्की और ब्रिटेन के बीच में, ऑप्शन सी तुर्की और पोलैंड के बीच में, ऑप्शन डी तुर्की और मिस्र के बीच में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तुर्की और रूस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1846 ईस्वी में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए तिंतसिन, ऑप्शन बी कैप्टन, ऑप्शन सी होचिमिन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनमें से ऐसा कोई भी आंसर नहीं है जो सही है, इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन सी निरंकुश राजतंत्र और ऑप्शन डी गणराज्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संवैधानिक राजतंत्र। प्यारे बच्चे आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपका हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।